Hello everyone and welcome to my channel Account Tricks. Today we are going to talk about the market on 18th October 2021 को market किस तरफ जाने की बहुत ज़्यादा chances है, इसके बारे में आज हम discuss करेंगे। आपको आपके screen पे दिख रहा होगा, देखो ये जो कुछ important stocks हैं जो market boosters का काम करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा chances है HDFC Securities, ITC, रिलायंस। आपने देखा होगा पिछले कई हफ्तों से निफ्टी 50 को संभाल रहा है, टाटा स्टील है, DLF है, IRCTC है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक जिनमें सबसे ज़्यादा तेजी आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, पॉजिटिव सेक्टर्स है, जैसे IT है, मेटल है, रियलिटी है, बैंकिंग सेक्टर है, PSU बैंकिंग और ऑटो, ये सब भी आने वाले दिनों में या इसी हफ्ते में, मैं तो कहूँगा कि सबको ये दिवाली बहुत अच्छे जाने के चांसेस है। ये सब सेक्टर्स भी बहुत ग्रीन में हैं और ऊपर जाने का चांसेस है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो ये 6 इम्पॉर्टेंट बैंक है जिनके वजह से इस एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी भी 40,000 को तोड़ सकता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक। ये 6 बैंक और ऊपर जाने का चांसेस है। इनका जो प्राइस अभी चल रहा है उससे और 4-5% इनका जो प्राइस है ऊपर जाने का चांसेस है। अदर देन दैट, अदर पॉजिटिव फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो US का इन्फ्लेशन डेटा आया तो था और सबको लग रहा था कि उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट पे होगा, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ इंडियन मार्केट पे। उल्टा इंडियन मार्केट तो बहुत ऊपर चला गया। आपने देखा होगा थर्सडे को वो 18,350 को भी क्रॉस करके आगे चला गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जितना भी फ्यूचर सेगमेंट है उसमें 63% लॉन्ग साइड है, और ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइड है, साइन दिख रही है। देन एज यू नो, कुछ ही दिनों में, एक 10-15 दिनों के बाद इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली आ रहा है। तो फेस्टिवल में आपको पता है शॉपिंग्स होती है, बहुत सारे सेक्टर में उनका ग्रोथ बहुत अच्छी तरह होता है फेस्टिवल सीजन में, और ये जो कोरोना का थ्रेट था वो धीरे धीरे वैनिश हो रहा है, धीरे धीरे लोग कोरोना को भूल रहे हैं और सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव साइन दे रही हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से इसी एक्सपायरी तक ऐसे कहा जा रहा है कि मार्केट निफ्टी 50 18,500 को ब्रेक करेगा और बैंक निफ्टी 40,000 को ब्रेक करेगा। सी, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, सो आई एम नॉट फोर्सिंग, वी आर नॉट एडवाइजिंग और सजेस्टिंग टू बाय एनी स्टॉक। वॉट एवर एक्सप्लेन ओवर हियर इज टोटली रिलेटेड टू एजुकेशन अबाउट दी निफ्टी 50 एंड इंडियन स्टॉक मार्केट। सो ये जो कुछ साइन लग रहे हैं, जो पॉजिटिव चीजें लग रही है, वो मैंने आपके साथ शेयर की। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग माई चैनल, शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।